मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क देखा था अभी, और देखते हैं अपन मध्य मस्तिष्क, और अपन कौन सा देखते हैं, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओनली टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, ये नाम इतने हार्ड नहीं है, इतने इजी है कि यूं ही याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है कार थोड़ा, कार थोड़ा क्वाड्री जेमिनी, कार थोड़ा क्वाड्री जेमिनी कि मध्यम मस्तिष्क सेल की मिड ब्रेन यानी कि मिसेंस एप्लोन के फर्स्ट पार्ट का नाम है कार थोड़ा क्वाड्री जेमिनी, दूसरे का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर उसको ही बोलते हैं पूरा पूरा सेरेब्रल। ठीक है, लेकिन इसको और कैसे करना है, पूरा सेरेब्रल पूरा अपन ने ब्रेन को डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद में फोर ब्रेन को कर लिया, अब चल रहे हैं मिड ब्रेन की ओर। मिड ब्रेन को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मेसेंसेफलोन, मध्य मस्तिष्क को दरवाजों में डाल दिया, कार्गो अक्वाडी जेमिना और सेरेब्रल कॉर्टेक्स या प्रोग्राम सेरेब्रल। ठीक है, ये बस इतना ये इसमें मध्य मस्तिष्क को केवल दो समय लिया। ठीक है, किया गया। उसके बाद में अपन लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क की ओर चलते हैं, जितना थोड़ी है अपन को पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के भी टू पार्ट्स किए गए, हिंड ब्रेन के टू पार्ट्स किए गए, टू पार्ट किए गए। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क के भी दो हिस्से के लिए। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क के भी हिंड ब्रेन के भी दो हिस्से के लिए। ठीक है, इसमें से फर्स्ट कौन सा है, इसमें से फर्स्ट है मेटेनी सेफेलोन, उसमें से फर्स्ट है मेटेनी सेफेलोन, फर्स्ट कौन है मेटेनी सेफेलोन, सेकंड है माइलिन सेफेलोन, सेकंड कौन सा है माइलिन सेफेलोन, उसके बाद में अब अपन दोनों स्टेट मेटेनी सेफेलोन और माइलिन सेफेलोन, मेटेनी सेफेलोन के दोनों टू पार्ट्स, एक तो होता है पॉन्स वेरोलोइड, एक कौन सा होता है पॉन्स वेरोलोइड। ठीक है, वेरोलोइड उसके बाद में होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने सेरेब्रम, क्या बताया था सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या बताया सेरेब्रम। ठीक है, तो अपन ने इसके पार्ट कर लिए है ना, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन और रोमबेन सेफेलोन, मेटेनी सेफेलोन और माइलिन सेफेलोन। ठीक है, उसके बाद में कौन से अलग मेटेनी सेफेलोन के टू पार्ट्स होते हैं, मेटेनी सेफेलोन के टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स फर्स्ट सेकंड और ये क्या है अक्टूबर है, ये क्या है कौन से अलग मस्तिष्क है वेनम, मरीज सेफेलोन को होता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। तो आज अपन ने ब्रेन के पार्ट्स किए, ब्रेन के पार्ट्स कितने थे, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेन, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्रेन,
मनीष कॉर्बेन सेकेंडरी मिडब्रेन पैरिस सेकेंडरी ठीक है, अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम प्रोसेस सर्कुलर, मध्य मस्तिष्क का मिसेंस सर्कुलर, पश्चिम मस्तिष्क का प्रोसेस सर्कुलर ठीक है। उसके बाद में इन तीनों बातों के ऊपर हमने बात किया। अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया, ओल्फैक्टरी लोब ग्रैंड पिंड का मस्तिष्क सेरेब्रम वो डाइसेक्ट्रम, फिर डाइसेक्ट्रम को तीन हिस्सों में विभाजित किया, एपिथेलेमस थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया, ओनली फॉर टू टाइप में, दो भागों में, कार्पोरकॉर्ड जेमिना और सेरेब्रल पेडिकल, या इसका दूसरा नाम है प्लूरा सेरेब्रल। उसके बाद में थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन यानी रोम्बेन सेफ्रॉन, हिंड ब्रेन रोम्बेन सेफ्रॉन टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मैटेनस सेफ्रॉन माइलिन सेफ्रॉन, मैटेनस सेफ्रॉन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टू पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, कौन सेरेब्रल और अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। एक तो है सेरेब्रम, एक कौन सा है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम ठीक है। तो सेरेब्रम तो होता है अग्र मस्तिष्क का और सेरेबेलम होता है पश्चिम मस्तिष्क का। तो अगर एग्जाम में सेरेब्रम आ जाए और आपने क्या कर दिया सेरेबेलम, मान लीजिए कि सेरेब्रम, सेरेब्रम किसको कहा जाता है ठीक है, तो आपने उसकी जगह क्या कर दिया अनुमस्तिष्क, तो गलत हो जाएगा, तो सेरेब्रम जगह आपने क्या कर दिया प्रमस्तिष्क ठीक है। तो सेरेब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहा जाता है और सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क कहा जाता है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो आज के क्लास में अपन ने ब्रेन को डिवाइड किया ठीक है, ब्रेन का डिवाइडेशन कर लिया। सबसे पहले क्लास में अपने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद वाली क्लास में न्यूरॉन पढ़ा था, उसके बाद वाली दो क्लासों में अपन ब्रेन के बारे में पढ़े थे, तो उसके बाद में अपन ने ब्रेन के पार्ट्स को भी देख लिया ठीक है। अब अगली वाली क्लास में, अगली वाली क्लास में क्या करनी आपको देखा, अगली वाली क्लास में अपन इन टाइप्स को सबसे पहले लेंगे अपन अग्र मस्तिष्क को, इसको लेंगे फोर ब्रेन, सबसे पहले अपन लेंगे फोर ब्रेन को, और फोर ब्रेन को पढ़ के फिर उसके बाद में फोर ब्रेन के हिस्से, फोर ब्रेन के हिस्से सबसे पहले लेंगे अपन ओल्फैक्टरी लोब एंड ग्रैंड पिंड को पढ़ेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेंट में बताइए कितना अच्छा लगा या बुरा लगा हो ठीक है, या कुछ मैंने गलती की हो तो वो कॉमेंट में जरूर लिखे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।